आलोक शर्मा जी, ये मामला तो कर्नाटक में स्कूल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि सार्वजनिक रूप से जो भी महिलाएं कहीं आ जा रही हैं उनको रोका जा रहा है हिजाब या फिर बुर्का पहनने से। अगर कॉलेज प्रशासन का कोई भी डेकोरम है तो क्या उसका पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वहां पर एक अगर स्कूल यूनिफॉर्म लागू होती है तो सभी को वो फॉलो किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? तब तो कल कुछ लोग काले रंग के कपड़ों में, कोई भगवा कपड़ों में, कोई हरे कपड़े में, ऐसे अलग अलग रंगीन तरीके के लोग क्लास रूम में दिखाई देंगे आलोक शर्मा जी, तो क्या ये जायज होगा इस देश के लिए अगर कॉलेज पर भी इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही हो तो? देखिए, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, भगवाधारी कौन लोग थे, एक महिला का के पीछे हुड़दंग किसने किया, वो पूरे देश ने देखा है। अगर किसी स्कूल में कोई ड्रेस कोड है उसका पालन होना चाहिए, और अगर वहां पर पालन नहीं हो रहा है तो वहां पर स्कूल का प्रशासन है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन ऑफिसर है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन है, पुलिस है। वहां स्कूल के अगर कोई ड्रेस कोड पालन नहीं हो रहा है तो स्कूल कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन 20-30 गुंडे पार्किंग में, एक लड़की अगर स्कूटी खड़ी करती है तो क्या पार्किंग में भी ड्रेस कोड कोई लागू था क्या? जहां पर वो हिजाब नहीं होना चाहिए था वहां पर भी ड्रेस में आना चाहिए था उस बच्ची को? और क्या जिन लोगों ने हुड़दंग किया, क्या जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, क्या कर्नाटक की सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया? आज तो हम पहले देखते थे कि शूज पॉलिश, नेल कटिंग, बचपन में जब स्कूल जाते थे तो चेक किए जाते थे असेंबली के टाइम पे। मुझे लग रहा है तिलक चोटी तो नहीं रख रखी किसी ने, क्रॉस तो नहीं पहन रखा किसी ने, साड़ी सूट तो नहीं पहन रखा, कलेवा तो नहीं बांध रखा। अब ऐसा समय आएगा कि ये भी चीजें चेक होंगी। अगर वहां पर ड्रेस कोड का पालन नहीं हो रहा है तो क्या वहां का स्कूल कॉलेज नहीं है वो जो चेक करेगा? क्या मोरल पुलिसिंग बीजेपी की जो है पूरे देश को सिखाएगी कि क्या खाना है और क्या पीना है? इसका कारण केवल एक है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी गिर रही है, वो वहां पर 20% की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी के पास महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर पंडित नेहरू को कोसने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कर्नाटक में बैठ के उत्तर प्रदेश के चुनाव को एड्रेस किया जा रहा है और हम लोग सब बैठकर टीवी पर डिबेट कर रहे हैं हिजाब के ऊपर। कर्नाटक बदनाम, बेंगलोर बदनाम, हिंदुस्तान बदनाम, ये काम कर रही है बीजेपी की सरकार। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं था ये? अगर उन लड़कों को वहीं पर खदेड़ा गया होता तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो तमाम चीजें गई हैं क्या वहीं पर नहीं रुक जाती? क्या MIM और तमाम लोगों को तमाम तरह के बयान देने से नहीं रोका जा सकता था? मुद्दा बनाया गया है, मुद्दा बनाया गया है सुधांशु त्रिवेदी जी, और मुद्दा बहुत सूट करता है आप लोगों को। क्या इस मामले को वहीं पर अगर लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो उसी दायरे में सीमित नहीं रखा जाता? राष्ट्रीय पटल पर अगर ये विवाद पहुंचा है तो उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। आलोक शर्मा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इन लोगों की मुस्लिमों के प्रति और मुस्लिम महिलाओं के प्रति क्या सोच है, मैं एक उदाहरण कोट कर रहा हूँ। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा था जब शाबानो केस पे राजीव गांधी जी के समय में उन्होंने कांग्रेस से विरोध किया तो राजीव गांधी जी सवाल पूछा गया उसका उत्तर दीजिए, लेफ्ट राइट पर भुगाइए। अरे भाई, जवाब दे रहा हूँ मैंने आपको, आपकी सरकार है इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अरे भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, सवाल आप पूरा बोलते रहे, मैं शांति से बैठा रहा। बताइए बताइए, तो क्या कहा था उस सरकार के कैबिनेट मंत्री ने? अरे मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं, पड़े रहने तो तुमने क्यों ठेका ले रखा है? ये मानसिकता है, वही मानसिकता आज दिख रही कि पड़े रहने दो, पीछे जितने पीछे पड़े रहेंगे, जितना अंधविश्वास उठ बैठा नहीं उठता, मूल्य मौलवियों के थ्रू उनके वोट बैंक का एक सरमाएदार होगा, आराम से ले लेंगे। अब मैं आता हूं, अब मैं इस पे आता हूं। इनको वो लड़की जिस जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी, जिसमें वो लड़के वहां से मीटरों दूर हैं, मीडिया के 500 कैमरे हैं, उसके लिए आपके दिल में वेदना है। मैं भी मानता हूं कि किसी भी लड़की के सामने इस ढंग से नारे नहीं होने चाहिए, पर उस लड़की के बारे में क्या जो जमीन के अंदर दफन कर दी गई उन्नाव में? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर उस दलित लड़की के बारे में नहीं बोल सकती हूं। बोलो ना भाई, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे? जब बात आती है ये साफ दर्शाता है कि आपके दिल में क्या है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां वोट ज्यादा दिखता है तराजू का पलड़ा उधर छुप जाता है, न दलित के प्रति संवेदना, न मुस्लिम के प्रति संवेदना, न महिला के प्रति संवेदना, न युवा के प्रति संवेदना, बस जहां कुछ थोड़ा बहुत वोट दिख जाए। अरे ये हिजाब का समर्थन तो क्या चित्रा जी, ये हिजाब पहन भी लेंगी, और ममता बनर्जी जी की हिजाब पहने हुए वाली फोटो याद है ना, इनको बस वोट मिल जाए कुछ भी करने को तैयार है। आलोक जी की पार्टी की इस समय नेत्री है, 40% महिलाओं को स्थान देने की बात कर रही है, लड़ सकने की बात कर रही है, हिजाब के लिए बयान दे चुकी है, पर उन्नाव की उस बेटी के लिए क्यों नहीं बयान दे रहे, क्यों नहीं वहां जाके धरना प्रदर्शन कर रही है सपा के उस नेता के पास जाके? मैं पूछना चाहता हूँ, लड़की वहां जाके क्यों नहीं? आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए, मुझे लगता है हाथरस में
जब था तो हाथरस में कोई नवाज शरीफ की सरकार तो थी नहीं, सेंगर कोई हमारी पार्टी के तो थे नहीं, कठुआ कांड हमारी पार्टी के लोगों ने तो किया नहीं था जब पूरी बीजेपी रेपिस्ट के साथ खड़ी थी। प्रियंका गांधी जी ने पूरी तरह से सही आवाज उठाई है और आज हम हाथरस हो चाहे उन्नाव हो, हमने तो पीड़ितों के परिवार के लोगों को आज राजनीतिक पटल पर लाने का भी काम किया। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल ये था कि अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वहीं पर दबा दिया गया होता तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की फजीहत होने का मौका बच जाता, लेकिन इनको सूट करता है, उसका जवाब सुधांशु भाई नहीं देंगे। दूसरी चीज मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, अगर हिजाब हटाने से बहुत ज्यादा सशक्तिकरण हो रहा है तो संसद में बिल कब लेकर आ रहे हैं आप? क्योंकि आज मध्य प्रदेश के मंत्री से जब गृह मंत्री से पूछा गया कि इस तरह की कोई योजना है तो उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए कि नहीं 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 हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, हमारे पास ना कोई इस तरह का कोई मुद्दा विचाराधीन है। तो क्या केवल ये सशक्तिकरण टीवी डिबेट्स पर ही होगा क्या? आप केवल टीवी डिबेट्स पर आकर सशक्तिकरण करेंगे क्या? मनरेगा 21 दिन का मिलेगा, महंगाई चरम पर रहेगी, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के नाम पर जिस तरह से धोखा दिया गया वो पूरे देश ने देखा। अरे भाई आप महिलाओं के वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन को देख लीजिए, किस तरह से वो काम धंधे में पिछड़ती चली जा रही है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो खर्चा है वो कम होता चला गया है, मनरेगा के पैसे नहीं है आपके पास, लेकिन पूरा सशक्तिकरण का ठेका मोदी जी ने ले रखा है।